हाय गाइस, कनाडा से वापस आज आपको हाय हेलो नमस्ते। और आज का वीडियो जो है वो हम स्प्रिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। स्प्रिंग सीजन यहाँ पे ऑफिशियली 19 मार्च को शुरू होगा। अभी भी सर्दी है, जैकेट्स तो पहन के घूम ही रहे हैं, तो देखते हैं जरा कि यहाँ पे जब ऑफिशियली स्प्रिंग शुरू होगा तो कैसा होता है, कैसा वेदर रहता है, क्या सेम सर्दी जैसा ही है या कुछ चेंज हमें नजर आता है। और दूसरा कि स्प्रिंग सीजन में कनाडा में लोग क्या क्या करते हैं, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। तो सुन लिया ना फ्रेंड, स्प्रिंग सीजन आने वाला, सबके प्लान्स हैं, मेरे अभिलाषा के और अरायना के और वीर के भी हैं। तो क्या क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। और इस बार ठंड कैसी रही और स्प्रिंग में यहाँ पर किस तरह के बेनिफिट्स और क्या क्या ऑफर्स होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम चल रहे हैं सोबीज के अंदर, जो कि यहाँ पर एक सुपर मार्केट है। ये रहा सोबीज और ये रहे हम सोबीज। सोबीज में हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी है ग्रोसरी की, बहुत ज़्यादा नहीं, मामूली सी शॉपिंग है। और उसके बाद हम जाएंगे और दूसरी शॉपिंग करने भी। अंदर चलते हैं सोबीज के। ये रहे सोबीज जनरली वॉलमार्ट की तरह ही होता है, तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो खैर जानते ही हैं, जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको हम अंदाज़ा दे रहे हैं। सोबीज में जनरली थोड़ा सा सामान एक्सपेंसिव होता है ऐसा लोग कहते हैं, बट बहुत ही मामूली, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ग्रोसरी के आपको यहाँ सब सामान मिल जाएंगे। हेलो, जहाँ पे भी कभी किसी सुपर मार्केट में रायना घुसती है तो सबसे पहले आपको यही मिलेगी। कहाँ पे? चॉकलेट सेक्शन। वेरी बैड, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए रायना। क्या है यहाँ पर? What is so good about it? ये फरेरो रोशर का एक बहुत। अरे तुम कितना तू खाती हो अभी, तुमको फरेरो रोशर का इतना शौक है? नहीं नहीं नहीं, but it's not good for health. Oh well. अरे तुम थोड़ी ना नॉटी गर्ल है। पॉकेट मनी, फॉरगेट इट। नो 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 पॉकेट मनी। अगर ये चॉकलेट्स खरीदनी है तो कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। आपको क्या बताया? ये देखो कितनी नॉटी गर्ल है ये। नो ये सब देख के देखिए किसी का भी मन तो वैसे चल जाता है। खास तो रास्पबेरी टार्ट्स, इंटरेस्टिंग, कॉफी क्रिस्प, ओह करीब $6 का है। आई मीन देखो इतना सस्ता भी नहीं है, इतना महंगा भी नहीं। लेमन टार्ट और एप्पल पाई खाने का? नहीं नहीं, किसका मन नहीं कर रहा? मेरा नहीं कर रहा। नो 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 नॉट एट ऑल। मम्मा कहाँ गई? क्या है ये? क्या चॉकलेट बनीज? यप। व्हाट्स इट? ओ ये है गोल्ड बनी, टेक्निकली वो चॉकलेट से भरा हुआ। एंड हाउ मच फॉर इट? $7। $7.5? नो 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 एक्सपेंसिव। वैसे भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हाँ इसलिए मैं ये वाला नहीं खरीदूंगा, क्योंकि बस मतलब उसमें ना मतलब पांच रह गए थे, छोटे छोटे इतने ज्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पे बस एक बड़ा मिल रहा है वो भी $7। ओके वेरी गुड। तो कुछ पैसे जितने बचाओ उतने ही अच्छे हैं। तो पैसे किसी और चॉकलेट में इन्वेस्ट? नो नो नो, किसी चॉकलेट में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये कोई इन्वेस्टमेंट हुआ? ओके लेट्स गो। वेयर इज योर मॉम? वो रही। चलो इस शेल्फ की तरफ चलते हैं, वहाँ है अभिलाषा एंड वीर। दे आर लुकिंग एट समथिंग। वेल क्या दिखा? कुछ सीरियल्स वगैरह देख लेती हूँ, कई बार ना कॉन्टिनेंटल खाने का ही मन करता है। यार तुम लोग बड़ा महंगा करते हो हर चीज, आते हो कुछ खर्चा करके जाते हो। नो नो सो बैड, शुगर इज बैड फॉर हेल्थ। No. ये क्या बात हुई यार, बैड और वी हैव टू ईट? वीर तू तो गुड बॉय है ना, तू गुड बॉय है, यू आर अ गुड बॉय, तू एक मात्र अच्छा लड़का है, तू कुछ नहीं बोलता है और सो गुड, वेरी गुड बॉय है ना। ठंडू लगी है? नहीं। अच्छा कुछ मुचु पुप। अच्छा ओके जा। बाय बाय। बड़े होके वीर भी ऐसे ही करेगा? आई डोंट थिंक सो। वो उसे हम थोड़ा ना अच्छी चीजें सिखाएंगे, अच्छे मैनर्स। इसमें भी पॉकेट मनी इन्वेस्ट होगी। किसमें? पॉप टार्ट्स। देखिए हमारे ना ये कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये लड़की जो देखती है सब कुछ खरीदना है इसको। मैं अपनी पॉकेट मनी कहाँ इन्वेस्ट करूंगी? नो नो फॉलो मी। सॉरी बाय। ये नहीं नहीं ये सब नहीं लेना है। यप हेलो वीर, क्या हो रहा है? क्या चाहिए वीर को? क्या चाहिए वीर
वीर क्या चाहिए? ए गुड बॉय, अच्छा फोन चाहिए? नो नो नो, ये कैसा हो गया? ये तो टोपियां तो टेढ़ी हो गई। ओ नो नो नो, अरे इस लड़के को देखो। अरे नहीं 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 नहीं, टैग को हटाता है, इसको तो बाहर निकलना है। नो 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 नो, तैते क्या तैते ते? ए भी नो, नहीं अच्छी बात नहीं है, गुड बॉय की तरह बैठो बस यहाँ पे प्रेम पे। अरे इसको निकलना है प्रेम से। नो नो नो, बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं, गुड बॉय ना, गुड बॉय। हाँ जी मम्मा और वो शॉपिंग कर रहे हैं। यस क्या लिया? कुछ लिया? क्या लिया? अभी कुछ लिया नहीं, जो योगर्ट लेना तो मैं देख रही हूँ योगर्ट। कौन सा योगर्ट है? यूजुअली हम लोग अरेंज, हम स्प्रिंग के लिए क्या करने वाले हैं ये तो बताओ। मुझे पता ही नहीं लोग करते क्या है। ओह मैं बताऊंगा क्या क्या करते हैं। आई थिंक यू ऑल्सो हैव एन आइडिया राइट? यस वीर, अरे ये देखो इस लड़के को। ओए तू क्या कर रहा है शॉपिंग में? हेलो स्प्रिंग में तुझे क्या करना है? हे नो नो, दूर करो इसको। ओ नॉटी बॉय, नॉटी बॉय, नोप। मुझे से मुझे ये वाला योगर्ट पसंद है। तो ये एक और चीज है जिसमें मैं अपने पॉकेट मनी इन्वेस्ट करूंगी, जो अभी मुझे जानते हो। तुम्हें पॉकेट मनी मिलती कितनी है? जीरो। वाओ दैट गुड, दैट्स अ गुड अमाउंट। यहाँ पे पॉकेट मनी बच्चे को तब मिलती है जब बच्चे हाउस होल्ड चोर्स में हेल्प करते हैं। मेरी फ्रेंड बनी है यहाँ पे, उसने मुझे बताया कि वो अपने, उसके दो बेटे हैं, दोनों को $20 पर वीक देती है अगर वो घर का काम करते हैं तो। लास्ट मंथ वो मुझे बता रही थी कि शायद एक वीक उसने अपने बच्चों को दी नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ओह तो रायना तुम काम करने वाली हो घर के, तभी मिलेगी। ये देखो ओ, क्या किया है, डन उठा के फेंक दिए इसने अपने। ओहो वीर भी नॉटी है। हाँ क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तो अगर मुझे पॉकेट मनी मिली तो मैं अपना पैसा पिज्जा में इन्वेस्ट करूँ। पिज्जा? विच पिज्जा? पिज्जा तो तुम वैसे ही बहुत खाती। नो नो, स्कूल में भी पिज्जा डे होता है। नो 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 नो, स्कूल में भी पिज्जा होता है महीने में एक बार। What? और वो बहुत कम होता है, टेक्निकली एक महीने में बस दो स्लाइस पिज्जा, दैट इज मोर देन इनफ। एक फिर दो फिर वैसे होता है। नहीं नहीं, बट जो भी मुझे जानता है उनको पता है। हाँ हाँ, पिज्जा बहुत पसंद। तुझे कोई नहीं जानता, सॉरी बाय। अब पता चल गया आप लोगों को। या ओके चलो। यार है ना सब तुम खुद ही कर लेती हो, मुझे मजा आता है। मुझे तो समझ में भी नहीं आता है। ओह दैट्स ऑल, हम बहुत कम समझ आते हैं। ओके वीर आ रहा है ना? चलो भैया वीर हो गया शॉपिंग, अब बाहर चलेंगे घूमेंगे। चलो हाउ कैन वी हेल्प, अरे हाउ कैन वी हेल्प, हेल्प ही तो चाहिए, कौन करेगा हमारी। चलो हो गया तो फिर से शॉपिंग डन। यस अब क्या प्लान है? शायद चिप्स का बाजार ना दुनिया में कहीं भी चला जाओ, यहाँ पे एंटर करके देखो इतना बड़ा चिप्स का लगा हुआ है। ओके कि घुसते ही लोग कुछ ना उठा ही ले। चिप्स का बाजार हर जगह बहुत चलता है। चिप्स खाइए, प्रभु के गुण गाइए। पार्क जाने का प्लान है, पार्क शायद। हमें अपने स्प्रिंग के प्लान्स बताने की, हम स्प्रिंग में क्या करने वाले हैं। ओके नहीं नहीं, और भी जगह जाना, और भी शॉपिंग करनी है, लेट्स गो। हम आपको आज थोड़ा इटूबी को दिखाते हैं जो कि टोरंटो और मिसिसागा के बीच का एरिया है, जहाँ हमारा इलाका है। वहाँ उधर तो नहीं होगा। ओके लेट्स गो। कहाँ पे कहाँ जा रहे तुम बताओ? मैं तो पार्क बोल रही थी, पर आपने बोला शॉपिंग है तो अब नहीं, शॉपिंग भी करेंगे। शॉपिंग जाने का मतलब कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है आई है नहीं है भेजने के लिए। नहीं मैं भेजूंगी किसी। तुम चिट्ठी भेजोगी? मैं इंडिया भेजूंगी। ओके कनाडा पोस्ट के जरिए जल्दी तुम यहाँ डालते हैं, आती नहीं है, आती तो आपके घर पे जहाँ आप रहते हो वहाँ आ जाती है। नहीं पर एक बड़ा बॉक्स भी होता है कई बार, वहाँ आती भी है। सॉरी ऐसा नहीं कि सबके घर पे होता, घर के बाहर भी होता है पोस्ट बॉक्स। ये आप ओके लेट्स गो। इंडिया में भेजेंगे? हाँ इंडिया में चिट्ठी भेजेंगे। लेट्स गो। जाता कैसे? फ्लाइट में बैठ के? हाँ बैठ के जाता है। वेरी नाइस। आज तो बंद है खैर।
बाय बाय। तो फ्रेंड्स आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पर अब ठंड लगभग खत्म सी हो गई है, बहुत मामूली ठंड है, मतलब अब आज करीब 7 या 8 डिग्री है, तो अब इसे तो ठंड नहीं कहेंगे। और कुछ दिन में स्प्रिंग आने वाला 19 मार्च से, तो खासतौर पर जो लोग टोरंटो में रहते हैं, इसके आसपास रहते हैं, तो यहाँ तो फिर भी उतनी ठंड नहीं पड़ती है। मतलब मुझे लगता है आप लोग यूट्यूब में कई लोगों के वीडियोस देखते हैं, और बर्फ और बहुत सारे कनाडा के जो दूसरे हिस्सों में रहते हैं तो वहाँ काफ़ी ठंड होती है, लेकिन टोरंटो और ख़ासतौर पर हम लेक शोर के आसपास इलाके में रहते हैं, यहाँ तो मैंने बर्फ भी बहुत कम देखी है। पूरे सीजन में गिनती में मुझे लगता है 4-5 बार बहुत ज़्यादा बर्फ हुई है, अदरवाइज बर्फ भी नहीं हुई है। और जहाँ तक बात ठंड की है, बियरेबल है, और अब तो देखिए आप देख ही रहे होगा, अगर अब बहुत ठंड पड़ती तो हम ऐसे नहीं घूम रहे होते। जो लोग इंडिया से आते हैं उनको ज़्यादा ठंड वैसे भी लगती है, तो बियरेबल है। और मार्च शुरू हो गया है और मार्च के एंड में तो विंटर ख़त्म होकर स्प्रिंग आने वाला है, तो इट्स ऑल गुड। सब हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट विंटर थी, और विंटर के बाद अब स्प्रिंग आने वाला है, तो बहुत मज़े करने वाले हैं। और स्प्रिंग में करते क्या क्या है तो ये बताना तो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे, तो अभी हम चुके हम नीटोबी को आपको दिखा रहे हैं जहाँ हम रहते हैं, प्लस थोड़ी शॉपिंग भी करेंगे, तो और स्प्रिंग के प्लान्स भी बताने वाले हैं, और आप जब आएंगे तो आप लोगों को भी शायद काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो हमने रास्ते में ये मैंडेरिन रेस्टोरेंट देखा, जो मुझे लग रहा है मैंडेरिन लोगों के चाइनीज रेस्टोरेंट है, बट हाँ, लेकिन कभी अंदर नहीं गए तो मन है। जाएंगे जाएंगे इस वाले पे जाएंगे, हमने काफी दिन से प्लान किया है मैंडेरिन में जाने का, अभिलाषा को भी जाना है। देखो चाइनीज तो मिलता ही, इसमें तो कोई सस्पेंस नहीं है, लेकिन और क्या क्या मिलता है ये भी देखना है, पर ये काफी मशहूर रेस्टोरेंट है। लेट मी आस्क द लेडी, ये कितना फेमस है, पार्किंग इतनी ह्यूज है, लेकिन ये सारी कार ना इसी के लिए आई है यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ तो बंद है। क्या मिलता है लेकिन मैंडेरिन में, तुमको पता है? चाइनीज फूड, हाँ मैं जो पता है मेन्यू मैंने देखा वही चाइनीज का जो आइटम होता है अपना, राइट हाँ। ये काफी मशहूर है यहाँ पर, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोग आते थे, वो आज भी पूरा क्राउडेड है, पार्किंग की थोड़ी सी भी जगह नहीं है यहाँ पे। आई डोंट नो गाइस, जो लोग भी कभी मैंडेरिन आए हो या कैसा इसका फूड है आप बताओ, हमें इसमें जाना है, आज तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, लेकिन हम कभी तसल्ली बख्श आएंगे और मैंडेरिन में कौन सा फूड मिलता है ये खाएंगे, पर इसमें बहुत भीड़ और बहुत लोग आते हैं। और हमारा फूड रिव्यू कैसा है? ओ हाँ, हम लोग तो बड़े फूड रिव्यूअर है ना, ये लो। और वो वाला है ना, वो जापानीज है, कौन सा सुशी, वो ग्रिल, हाँ सुशी ग्रिल नहीं, क्या नाम है हाँ, मुझे याद नहीं, लेकिन वो जापानीज है। और एक उधर वो भी जापानीज है, उधर उस साइड जो आपको दिखता है ना, हाँ बड़ा सुंदर सा वो बना, हम दिखाएंगे क्या क्या है। वेल well, जो लोग भी इटोबिको में रहते हैं या कभी आए हैं और मैंडेरिन रेस्टोरेंट में आए हैं, तो वो लोग प्लीज बताइएगा कि कैसा खाना है और हम क्या क्या खा सकते हैं। और हम वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन क्या खा सकते हैं, तुम क्या खाना है, नॉन वेज खाओगी? हाँ वेजिटेरियंस के लिए 2-3 आइटम तो मिल जाएंगे आई होप, शायद कुछ सूप वगैरह हो, सूप से सूप पीने जाएंगे शायद, व्हाट तो चिकन सूप भी मिलता है, ओके एनीवे एक चीज और दिखानी थी, आगे दिखाता हूँ, हेलो वीर, तुम देखो हाथ अंदर तो रखो, चलो चलो। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, स्मॉल क्लेम्स, इमिग्रेशन लॉ, भैया वकील चाहिए तो यहाँ पे है, जिनको भी वकील चाहिए हो ये है वकील की दुकान, आई मीन उनका ऑफिस है, चेम्बर्स है, करिए मजाक कर लेता हूँ, बुरा मानिए, लॉ ऑफिस है। देखिए अब ये मत कहिए कि वीडियो हमारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, घूम रहे हैं तो आपको भी दिखा दिया। एनी वे ये जो सड़क दिख रही है इसको बोलते हैं क्वींस वे, और हमारा घर क्वींस वे के आसपास ही है जैसा कईयों को पता होगा, और रायना खैर रोज जाती है बस से, तो रायना नोज, यही मेरा बस स्टॉप है सामने, यही बस स्टॉप है जहाँ से रायना स्कूल के लिए बस, हाँ बस यही से सुबह जाना होता है, यहीं से सुबह स्कूल जाती है, ओके तो ये है रायना का बस स्टॉप, और ये है सीट जहाँ बैठती है, ये है बस स्टॉप, 80 नंबर की बस यहीं पर आती है, TTC 80 नंबर, ओके चलिए अब रास्ता क्रॉस करते हैं और आगे चलते हैं शॉपिंग करते हैं। हेलो वीर, ओ वीर तैयार हो रहे हैं, नोटिए भाई बार बार चद्दर टेढ़ी कर देता, पर ठंड है भाई थोड़ी बहुत तो ठंड है, ब्लैंकेट पूरा माना स्प्रिंग आने वाला है, लेकिन अभी भी पूरा ठंड खत्म नहीं हुई है वीर, बदमाशी नहीं, ठीक है चलो चलो रास्ता क्रॉस कर ले,
देखिए रास्ता इस तरह से क्रॉस कर लीजिए आराम से बिना निश्चिंत होकर। बच्चा अकेले भी जाएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े फॉलो होते हैं। देखिए आराम से स्टैंड पर खड़े रहिए, आराम से रास्ता पार करिए। सारी गाड़ियाँ बड़ी अच्छे से इंतज़ार करती हैं आपका बोथ साइड्स, तो बच्चा अकेले भी जाएगा तो हो जाएगा। हाँ कुछ रुक जाओ वेट, ये वाला है वो जापानीज रेस्टोरेंट जो मैं कह रही थी। जापानीज रेस्टोरेंट कौन सा, ये वाला? लेट मी जस्ट चेक। ओ सुशी, सुशी एशियन किचन, ये भी बहुत पॉपुलर है। इसकी पार्किंग इसके पीछे है बहुत ह्यूज। ओके तो इस बार स्प्रिंग सीजन में हम ये सारे रेस्टोरेंट ट्राई करने वाले हैं, राइट? ठीक है, ये हमारा एक स्प्रिंग प्लान है। ओके ये हमारा स्प्रिंग प्लान है, लेट्स गो। गाइस मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन इन लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, कह रहे कि मुझे कौन सुनेगा, सब इन्हें इसे सुनना चाहते हैं। रियली इज दैट ट्रू? अगर ये है तो फिर भैया रायना ही बोलेगी ब्लॉग में, मैं नहीं बोलूंगा। ये इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी पहले कभी नहीं हुई है, लेकिन एनीवे नो प्रॉब्लम, ठीक है वही सही यही लोग बोले। बहुत तेज हवा चल रही है और ये सब हमारे घर के आसपास रेस्टोरेंट है, ग्रीन मैंगो, फैट बास्टर्ड और पापरिको। मतलब खाने पीने का तो बहुत सामान है यहाँ पर, इसलिए हम भी कई बार सोचते हैं कि जाए या ना जाए। जब जाओ तो आपको $30-50 तो खर्चा होने ही है, क्यों रहा है ना। ओके एनीवे क्या खाना है, लियोज कैफे में कुछ खाना है? दिस इज लियोज कैफे। ये देखिए ये मेरे पीछे जो ये दुकान है ये ब्राउन शुगर डेलिकेसीज, बहुत ही शानदार, इसमें कुकीज एंड ब्राउनीज मिलती है, लेकिन गुड है कभी इस इलाके से गुजरे तो यहाँ पर खा सकते हैं। और एक जो दुकान जो हमेशा मुझे दिखती है, मुझे तो कुछ अलग ही भाव आने लगते हैं उसका नाम पढ़ के, वो है ये मोडो योगा। ये जो दुकान है मोडो योगा, योगा यहाँ पर सिखाया जाता है, तो योग सीखने वाले यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। महंगा है थोड़ा सा, $55 महीने के, इतना कम नहीं होता, लेकिन मोडो योगा से ना मोदी योगा मुझे हमेशा ये वर्ड अपने आप आने लगता है। आई नो मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है, पर मोडो योगा बड़ा अजीब सा फनी नेम है, बट अब है तो है, क्या कर सकते हैं। आगे चलता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं दिखाने को। ये सर आए ना कुछ कह रही हो? ओके ये है वो इटालियन रेस्टोरेंट। पहले बोल तो लो उसका उच्चारण सही नहीं है। Buongiorno, I think. Buongiorno, I think. Okay, क्या करना है? Cafe, अभी Italian sandwiches तो वैसे नहीं कहा गया. Italian restaurant. Okay. इसमें pizza अच्छा होगा. About the clouds तुम्हारे पीछे है, यहाँ cannabis बिकता है. अब cannabis क्या है ये मुझसे मत पूछिएगा. Google search कर लीजिए, आपको पता ही है. ये cannabis यहाँ पर legally allowed है और medical purposes के लिए generally लोग खरीदते हैं. पर you know खरीदते मेडिकल पर्पसेस के नाम पर कई बार कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, तो यू नो बाकी तो इतनी सारी दुकानें हैं, सुपर बेकर्स, यूनचा, कन्वीनियंस, तो सॉरी क्या हुआ? बबल टी। बबल टी कहाँ है? हाँ ये बबल टी है। बबल टी क्या होती है मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं एक्चुअली। ओ ये जो हम उबाल के पीते उसी को तो बबल टी नहीं कहते? मे बी, देखिए बहुत सारी चीज़ों का हमें नहीं पता तो आप लोग बताइए। नेल्स स्पा, नेल्स इज़ वेरी बिग यहाँ पर, हर दूसरी दुकान नेल्स एंड स्पा की दिख जाएगी। तो कनाडा में ये सब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जो लड़कियाँ हैं विमेन हैं उनके लिए इट्स स्वर्ग। और ये है यूज़ क्लोथिंग डोनेशन, तो अगर आपके घर में कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स है जो आप यूज़ नहीं करते डोनेट करना चाहते तो इस तरह के बिन्स होते हैं, इन बिन्स में आप अपना जाके क्लोथ्स डाल दीजिए। नो थैंक यू, टॉयज, बुक्स, डिनर भी है, स्ट्रोलर्स, कार सीट, फर्नीचर, गार्बेज, टायर्स, ये सब ना डालें प्लीज़। जो काम की चीज़ें हैं जो इस्तेमाल लोग कर सकते हैं वही वाली डालिएगा। हाँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं घर में जो सामान हम इस्तेमाल नहीं करते वो डाल दें, या जो बेकार जो इस्तेमाल किया नहीं जा सकता वो डाल दें, पर ये सही बात नहीं है। जो आप खुद यूज़ करते हैं लेकिन अब उसकी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इस तरह के क्लोथिंग डोनेशन में आप डाल सकते हैं। लेट्स मूव, स्कोशा बैंक है और उसके आगे हमें जाना है एक और जगह जहाँ पर वो लोग खड़े हैं। लेट्स गो। अभी क्या स्प्रिंग प्लान्स है, कुछ सोचा? नहीं। क्यों, स्प्रिंग में क्या करोगी? पार्क में जाऊंगी, दैट्स ऑल। अरे गर्मी आने वाली, कुछ तो बताओ। अब बोलूंगी शॉपिंग करोगे तो गुस्सा हो जाओगे, मगर मैंने बोला कि मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, समर क्लोथ्स खरीदूंगी, तो हम गुस्सा भी हो जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता उससे। और मैं बोलती थी कि यहाँ पे डी डेजर्ट कैफे है, यहाँ पर
कभी कुछ मीठा, लेकिन वो बहुत ज्यादा मीठा होता है ना, वॉफल वगैरह यहाँ पे। हाँ इससे बहुत मीठा होता है, लेकिन मन करे तो यहाँ आ सकते हैं, बहुत फेमस है। ओके, उस तरफ है कहीं पे? नहीं नहीं, ये ना ये कोने में जो लाइट जल रही है। ओके ठीक है, पास जाके अभी नहीं दिखा रहे, फिर कभी दिखाएंगे। लेट्स गो। हाँ क्या करने वाली हूँ स्प्रिंग में ये बताओ। हमने बोला था इस वीडियो में कि हमने स्प्रिंग प्लान्स बताएंगे, तो व्हाट्स योर स्प्रिंग प्लान, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बताते हैं स्प्रिंग के फायदे क्या है। हाँ क्या फायदे हैं, फिर चेंज करेंगे प्लान्स पे। ठीक है ठीक है, फायदे क्या पहले तो ये बता रहा, जल्दी बताओ, टाइम नहीं, देखो जीवन में टाइम बहुत कम है। ओके तो फायदा ये है कि अगर आप स्प्रिंग में हो तो आप टी शर्ट निकल के बाहर हो जाओ, तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो अगर माइनस में है या थोड़ा प्लस में है, थोड़ा ज़्यादा जैसे 1 या 0, तो उस पर हमें लगता है कि अरे भाई बाहर नहीं जाएंगे, ठंड है। बट अगर स्प्रिंग पे होगा तो ऐसा रहेगा कि हाँ ठीक है, हमें टेम्परेचर नहीं की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग है तो समर्स टाइप ही हो जाएगा। नहीं अब बस एक ही फायदा है कि सर्दी के कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे और गर्मियों वाले पहन सकते हैं, दैट्स ऑल। इन करने क्या वाली हो ये तो बताओ। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग टेक्निकली हमारा जो प्लेग्राउंड है वहाँ जा सकते हैं, जैसे मम्मा ने बताया, शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी मम्मी ने बताया। लेकिन मैं जो करूँगी स्प्रिंग में, हम लोग ज्यादा बाहर जा सकते हैं, तो जैसे हम लोगों ने बताया जैसे मैंडरिन और इकोरेस, जैसे सुशी या स्विशाले, स्विमिंग जाएंगे, स्विमिंग भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो घर बिल्डिंग है वो थोड़ी नई बनी है, तो अभी भी इसमें थोड़ा सा काम चल रहा है, जो स्विमिंग पूल हमारा खुल जाएगा क्योंकि गर्मी है। और हाँ यही सब है। कहीं कुछ हो गया है, गाड़ी आ रही है। और एक और है कि अगर अच्छा मौसम हुआ तो हम ज्यादा बाहर जाएंगे, इसका मतलब ज्यादा वीडियोस बनेंगे और आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये तो लाख रुपए की बात है। पता अरायना ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो ज्यादा वीडियोस बनाएंगे, आपको हम ज्यादा कंटेंट दे पाएंगे। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे स्टोर्ड है जो हम एडिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहुत सारी इन्फो आपको देनी है। जो लोग कनाडा में रह रहे हैं या जो नए आने वाले हैं, उनके लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, तो जब वो कनाडा आएंगे तो उनको इतना लाभ होगा उन वीडियोस से और उस इन्फो से। लेकिन थोड़ी समय के कमी के कारण ना कई बार वीडियोस टाइम पे एडिट नहीं हो पा रहे, लेकिन आई प्रॉमिस यू बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो हमें थोड़ा वीडियो डालने में कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो अच्छा लगता है, तो मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा कमेंट भी करते रहिए, इससे लगता है कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं और हमें भी और वीडियोस बनाने का ना थोड़ा मन करेगा। द क्वींस वे, ये गार्डिनर एक्सप्रेस वे के बहुत पास है, तो जो लोग इस रास्ते से आते जाते हैं उनको तो थोड़ा अंदाज़ा होगा कि ये रास्ता है किधर। और हमारी जो इवनिंग वॉक थी बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आ भी रहा है। अभी भी एक दो चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं फिर। पार्क? ये एक दुकान तो मैंने आपको दिखाई थी जिसका यहाँ पर ये बोर्ड है। पार्क? पार्क जाना है? ओके लेट्स गो टू पार्क। यो यो यो, व्हाई नॉट, श्योर। हम लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं, वो जो पीछे ग्रे और ब्लैक कलर की आपको दिख रही है ना, वो वाली। देख गए। हाँ, उस बिल्डिंग में हम रहते हैं। तो अगर ना जैसे जो लोग यहाँ पे GTA में रहते हैं और कभी अगर उनको मौका मिले, तो जब आप टोरंटो से इटोबिको की तरफ आते हो तो गार्डिनर एक्सप्रेस वे है, उस पर आपको ये बिल्डिंग दिख जाएगी, बिल्कुल उसके पास एडजस्टेंट टू गार्डिनर एक्सप्रेस वे है, आइकिया के पहले पड़ती है ये। बहुत सुंदर सी बिल्डिंग ना, रात को दिख जाएगी आप, दिन में भी दिखेगी, बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है, मतलब जैसे काफ़ी लोगों ने बोला कि बहुत सुंदर बिल्डिंग है, तो हम यहीं रहते हैं। और इस बिल्डिंग में हम कैसे आए, इस बिल्डिंग में हमें घर कैसे मिला, ये स्टोरी भी बहुत लंबी है। घर खोजना एक न्यू कमर के लिए कनाडा में बहुत मुश्किल है, स्पेशली टोरंटो वाले एरिया में, तो वो वीडियो भी आपके पास आएगा, तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो बहुत हेल्प होगी आपको उस वीडियो को देखकर, तो वो वीडियो हम जल्दी शेयर करेंगे आपसे चैनल पर। डिमोलिशन एक्सकवेशन एनवायरमेंटल शाउटन नाम की कंपनी है, नथिंग इन योर वे। तो ये जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, यहाँ पे एक फैक्ट्री थी, शायद वो बंद थी कि मैंने कभी उसको ऑपरेशनल देखा नहीं, तो उस फैक्ट्री को पूरा तोड़ा गया है
और दो क्रेन्स आई थी और वो अभी भी कर रही हैं, वो पूरा लैंड वगैरह एक्सकवेट कर रही हैं। तो ना यहाँ पर ये सब काम करने के लिए एक अलग से एजेंसी है, तो जो ये सिर्फ यही काम करेगी। और जब ये पूरी लैंड एक समतल हो जाएगी उसके बाद जो एक्चुअली यहाँ कॉन्डो बनने वाला है, तो जो बिल्डर है वो आएगा, वो अपना काम करेगा। तो ये कैसी एजेंसी है, तो सिर्फ लिखा है सिर्फ डिमोलिशन एक्सकवेशन, खुदाई वाला काम, डिमोलिश वाला तोड़ना है कोई बिल्डिंग, ये सिर्फ ये एजेंसी वही काम करती है। ओके लेट्स गो। तो फ्रेंड्स मैं आपको आपके इस बार के स्प्रिंग प्लान्स बताता हूँ। तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत सारे ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ। मेरा तो प्लान है कि टोरंटो की जितनी गलियाँ हैं, टोरंटो की हर गली के बारे में आपको बताऊँ, उस गली में क्या होता है, क्यों फेमस है, क्या क्या चीज़ें हैं, और एक पूरी टोरंटो सीरीज़ मेरा बनाने का प्लान है। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लग रहा तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने YouTube पे बहुत देखा है जितने भी इंडियन ब्लॉगर्स हैं, खासतौर पे जो लोग हिंदी में ब्लॉग करते हैं, वो टोरंटो को ठीक से दिखा नहीं पाए हैं। और टोरंटो में ऐसी हजारों गलियां, सैकड़ों गलियां हैं जिनमें इतिहास छुपा है, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो मेरा स्प्रिंग सीजन में सबसे बड़ा प्लान तो यही है कि मैं टोरंटो आपको बहुत अच्छे से दिखाऊँ। ये न्यू कमर्स को भी हेल्प करेगा, जो यहाँ पर पहले से रह रहे हैं उनको भी हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत लोग अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, जा नहीं पाते हैं बहुत सारी जगहों पर, तो उनको भी बहुत आइडिया मिलने वाला है मेरे उन ब्लॉग से। तो ये मेरा एक बड़ा प्लान है स्प्रिंग में, स्प्रिंग और पूरा जो समर आने वाला है दोनों के लिए। और इसके अलावा मिसिसागा, ब्रैम्पटन, आसपास के GTA में जितने भी एरिया है, ग्रेटर टोरंटो एरिया GTA का मतलब, तो वहाँ के हर शहर और हर इलाके के बारे में बताना चाहता हूँ। और एक चीज़ और कि खाने पीने के बारे में भी हमें कई लोगों ने खूब लिखा है कि आप बताइए वहाँ खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, इंडियन खाना मिलता है कि नहीं, क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो वैसे तो हम अपने ब्लॉग्स में बता ही रहे हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो हम और ज़्यादा दिखाएंगे इन चीज़ों को, ताकि आपको हेल्प हो और आप हमारा कॉन्टेंट देखें तो हमें भी बनाने में मज़ा आएगा। अब हम पार्क आ गए हैं और पार्क बहुत ही बढ़िया बना है, और अरायना और वीर तो उसमें काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। मैं कमेंट करने और सब्सक्राइब करने को ज़्यादा कहता नहीं, लेकिन आजकल कहने लगा हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादा कमेंट कर नहीं रहे हैं। हमारी भी गलती, हम वीडियोज़ उतने फ्रीक्वेंटली नहीं डाल रहे हैं। तो हमने अपना स्प्रिंग प्लान्स तो आपको थोड़े बहुत बता दिए हैं, कुछ कुछ इन्फो देने की कोशिश की है इस वीडियो में, हालांकि बहुत ज़्यादा इन्फो तो नहीं थी, लेकिन स्टिल आई होप कि कुछ जानकारी तो आपको मिली गई होगी। तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करिए, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स आने वाली है। जो भी नए यहाँ पर आ रहे हैं, बसना चाहते हैं, इमिग्रेंट्स हैं, और जो टोरंटो में नहीं भी रहते तो उनको भी काफ़ी जानकारी होगी। सो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक के लिए बाय बाय, और कनाडा में हमारे सारे वीडियोज़ देखते रहिए। एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ पर क्या करूँ, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर है। बाय बाय, अरे ना बाय बाय।